अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज आपके साथ एक और अच्छा मुकाबला लेके जुड़े हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको पसंद करेंगे। अगर आपको ये पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज का मुकाबला है लाहौर इस्लामाबाद। टॉस का टाइम हुआ है और यहाँ पर टॉस किसने जीता है? इस्लामाबाद ने, और उन्होंने पहले बॉलिंग का फ़ैसला किया है। तो जो यहाँ पर लाहौर पहले बैटिंग करेंगे। टीमें दोनों मैदान में, ओपनर्स भी मैदान में हैं। देखिए अब क्या करते हैं फ़खर और सुहेल अख्तर। फेस कर रहे हैं फ़खर, तो यहाँ पर गेम ऑन है। पहला बॉल और उठा कर खेला है, यहाँ पर एक ही सिंगल मिला है। अब कर रहे हैं फेस सुहेल अख्तर, बहुत ही तेज़ खेलते हैं ये। इस बार क्या करते हैं देखते हैं, इंजॉय करें इनकी बैटिंग देखकर। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, पहली बॉल पे उठा के खेला है और यहाँ पर एक 4 रन मारा है। क्या करना चाह रहे थे यहाँ पर, ये देखें, गुस्सा हो गया बॉलर। आगे से उन्होंने भी अपना एक्शन जाहिर कर दिया है। देखे ये है बदला, सेकंड बॉल फिर उन्होंने 6 मारा है यहाँ पर। बहुत बढ़िया 6, और कमाल का 6 खेला है यहाँ पर। देखें इसको, कितना खूबसूरत शॉट है, कितना लंबा मारा है यहाँ पर इन्होंने छक्का, 84 मीटर। वाह, ये शॉट देखकर तो यकीनन मज़ा ही आ गया। वाह, कमाल की सीधे बैट से खेले यहाँ पर फखर ने, बहुत ही प्यारी और कमाल की टाइमिंग की यहाँ पर इन्होंने। देखी सीधे बल्ले से खेली, कमाल का 6, नो डाउट बहुत ही अच्छा शॉट खेला यहाँ पर इन्होंने। 98 मीटर, बीट हुए, वहीं खेलना चाह रहे थे। इस बार आगे निकल कर खेले, बीट हो गए। इस बार फिर से 6 मारा है, बहुत बढ़िया हिट, बहुत बढ़िया हिट। देखें कितना ऊंचा शॉट खेला है यहाँ पर इन्होंने, खूबसूरत सी शॉट, 83 मीटर। एक बार फिर से ऊपर से उठाकर खेला था और यकीनन 4 रन मिलेंगे इनको। बढ़िया बैटिंग सुहेल अख्तर की जानिब से। देखें फील्डर्स के ऊपर से खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं यहाँ पर ये अच्छे बैट्समैन है। ओहो, यहाँ पर इन्होंने अपनी विकेट गंवा दी है, क्लीन बोल्ड हो गए। देखिए खेलना चाहते थे बाएं हाथ से बट नहीं कवर कर पाए, यहाँ पे बोल्ड हो गए। आते ही पहली बॉल पे उठा दिया है और 4 रन मारा है, बहुत खूबसूरत 4। अच्छी रन रेट है, बुरी नहीं है। यहाँ पर एक ही रन बना है। वाह, ये तो कमाल की शॉट खेली यहाँ पर और 6 रन, कमाल की बैटिंग कर रहे हैं फखर। फिर से वही शॉट दोहराया है और इस बार भी 6 रन है। ये शॉट बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं। ये तो बहुत बढ़िया शॉट खेला यहाँ पर इन्होंने, 6 रन मारा है। ओहो, यहाँ पर शादाब ने बोल्ड कर दिया फखर जमान को। यहाँ पर चलते बने 16 बॉलों पे 35 रन बनाए। देखिए क्या बॉलिंग की यहाँ पर इन्होंने, बढ़िया बॉल थी। हाफिज़ फेस कर रहे हैं शादाब का, पहली बॉल पर ही उठाकर खेल दिया इन्होंने और 6 रन मारा है। बढ़िया टाइमिंग, क्लास। एक बार फिर से 4 रन, आते ही तेज तरीन खेलने का मूड बना कर आए हैं, ये देखें। और इस बार दोनों फील्डरों को बीट कर गई है बॉल और 4 रन। एक बार फिर से चौका मारा यहाँ पर इन्होंने।
हफीज अच्छी बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर इस टाइम, बहुत तेज़ खेला है यहाँ पर इन्होंने, पता ही नहीं चला बाउंड्री को जाके लगी बॉल, इतना तेज शॉट था, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक ही रन मिला इनको, अभी कहाँ पे खेलते हैं ये, खेलने की ट्राई तो की है, यहाँ पर एक ही रन मिलेगा इनको, अभी क्या करते हैं ये बैट्समैन, कहाँ खेलते हैं यहाँ पर इन्होंने, नो डाउट। ओहो ये तो इन्होंने भी कमाल कर दिया, गजब की बैटिंग कर रहे हैं ये दोनों बैट्समैन, बहुत ही खूबसूरत बाउंड्रीज लगा रहे हैं इस टाइम। एक और सिंगल, 94 रन 95 पे टू आउट हैं, 7 ओवर है, लास्ट बॉल। ओह गजब की शॉट, 6 रन्स, बहुत गजब की बैटिंग यहाँ पर दोनों बैट्समैनों की जानब से, बोल्ड हो गए यहाँ पर, क्लीन बोल्ड कर दिया है बॉलर ने, चलते बने यहाँ पर, अच्छी बॉल को पिक नहीं कर सके यहाँ पे, और क्लीन बोल्ड हो गए, डंक आ रहे हैं बैटिंग के लिए, ये क्या करते हैं अपनी टीम के लिए, और कहाँ पे ले जाते हैं अपनी टीम का मोरल, कितने रन्स बना पाते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं ये भी, पहला ही बढ़ के खेला था, और यहाँ पर सिंगल ही मिलेगा इनको, बस सिंगल पे ही इनको इत्मीनान करना पड़ेगा। कौन सी शॉट ईजाद करना चाह रहे थे यहाँ पर, बट नहीं खेल सके, इस बार तो ऑफ साइड पे खेले और 4 रन्स। जब ये शॉट लगाते हैं ऐसे मारते हैं जैसे थप्पड़ मारा हो, बहुत तेज़ जाती है बॉल, बहुत तेज़ खेलते हैं ये शॉट, महारत है इस शॉट के ऊपर इन्हें, ये कमाल का 6, ये छक्के तो देखकर बहुत ही दिल खुश हो जाता है कि इतना खूबसूरत सी शॉट ईजाद कर दी इन्होंने। ओबियसली डंक हैं, बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, DRS के लिए जाते हैं कि नहीं, देखते हैं, नहीं गए तो यहाँ पर वो देखते रह गए, कैप्टन नहीं माने उनके, एक बार फिर से उठा के खेला और सिंगल, 113 पे 3 आउट हुए हैं, बॉल्स अभी सिर्फ 9 बॉल्स बाकी हैं, उठा दिया है और 6 रन्स, इसको अपर कट बोल दें यही बेस्ट है, 119 रन्स। ये शॉट भी बहुत बढ़िया खेलते हैं और सिंगल ही मिलेगा यहाँ पर इनको, सिंगल पर ही रुकना पड़ेगा, डंक कर रहे हैं फेस, क्या करते हैं इस बार, ये उठा के खेल रहा है और एक यहाँ पर भी सिंगल, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, रन रेट भी अच्छी है, लास्ट ओवर है यहाँ पर, ऊपर से खेल दिया है और इस बार 2 रन्स मिले यहाँ पर, सेकंड बॉल है, क्या करते हैं, अभी उठा कर मारा है और ये दोनों फील्डरों को बीट कर गया बॉल, और 4 रन्स मिले हैं यहाँ पर इनको, बढ़िया बैटिंग, बहुत बढ़िया बैटिंग डंक की जानब से, क्लास, ये तो क्लास है डंक की, बहुत क्लासी शॉट खेली यहाँ पर, देखें इसको कितना परफेक्ट शॉट खेला है ये, बहुत बढ़िया 6, 88 मीटर 6 है,
मुश्किल शॉट होता, इतना इजी भी नहीं होता, बट अच्छा खेला इन्होंने। ओहो इतना स्विंग बॉल बीट हुए। टारगेट सेट कर दिए है, अब चेस करना है इस्लामाबाद ने। हेल स्टर्लिंग, दोनों ओपनर्स रॉफ पहला ओवर डालेंगे, स्टर्लिंग फेस करेंगे इनका। ओहो पहला बॉल ही इतना ब्रेक करवा दिया इन्होंने, और आते ही प्रेशर डाल रहे हैं ओपनर पे। ओ नेक्स्ट बॉल उन्होंने भी दिखा दिया है कि ये होती है बैटिंग, अगर आपको बॉलिंग करनी आती है तो हमें भी बैटिंग करनी आती है। देखें ये गुस्सा दिला रहे हैं यहाँ पर बॉलर को। टारगेट अच्छा है 134 का, देखें चेस कर पाती है टीम के नहीं कर पाती। शाहीन अफरीदी पहला ओवर डालने के लिए। ये कौन सी शॉट ईजाद कर दी इन्होंने, यकीनन 4 रन मिलेंगे, अच्छा शॉट था, बहुत कमाल। ये देखें मुश्किल, बहुत मुश्किल शॉट खेला है यहाँ पर इन्होंने, रिस्क लिया, टोटली रिस्क लेकर ही खेली ये शॉट। इस बार तो बहुत परफेक्ट टाइमिंग की और फील्डर के हाथ में बॉल गई है, कोई रन्स नहीं बने यहाँ पर। ओ सीधा शॉट खेला और बहुत बढ़िया बाउंस मारा। हारिस फिर से आए हैं सीधा फील्डर के हाथ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शॉट खेली यहाँ पर, 4 रन मिले इनको, बहुत मुश्किल शॉट है ये, फील्डर्स को बीट करके 4 रन हुए। यहाँ पर सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं। हिल्स फेस कर रहे हैं और पिच के ऊपर ही स्टॉप कर दिया बॉल को। राशिद आए बॉलिंग के लिए, अच्छी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं ये। 3 ओवर में 16 रन बने अभी तक, यहाँ पे 1 रन मिला है पहली बॉल पे सिंगल। बिल्कुल सीधे बैट से खेली है, बहुत बढ़िया टाइमिंग और एक सिंगल। रन्स बन रहे हैं यहाँ पे, 18 रन हो चुके हैं। ओहो हो इनसाइड एज, 4 तो नहीं बट एक सिंगल ही मिलेगा ही यहाँ पर भी इनको। अच्छी और बहुत टाइट बॉलिंग कर रहे हैं राशिद, यहाँ पे भी सिंगल पूरा हुआ है कि रन आउट हो गए हैं, देखते हैं अंपायर का फैसला, नॉट आउट। ये क्या हुआ, यहाँ पर भी 2 रन बन गए हैं, उठाकर खेली थी शॉट। इस बार एक और अच्छी प्लेसमेंट बट बाउंड्रीज नहीं मिल रही इस टाइम इनको। शाहीन अपना ओवर लास्ट ओवर कर रहे हैं यहाँ पे, क्या परफेक्ट बॉलिंग की है और बहुत बढ़िया स्विंग। चार रन यहाँ पर, अच्छी बैटिंग स्टर्लिंग की जानिब से, अच्छा खेलते हैं ये, वो बहुत तेज खेलते हैं। सीधी खेली फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं बना। राशिद फिर से आए हैं और इस बार फिर सिंगल कंप्लीट हो गया, अभी तक बहुत रोक कर रखा हुआ है टीम को। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं लाहौर के बॉलर्स, अपने कंट्रोल में की हुई है ये गेम इस टाइम।
कोई रन्स नहीं दे रहे यहाँ पर इनको आसानी से। देखें चलते बने पहले विकेट घुमा दिया इस्लामाबाद ने, यहाँ पर राशिद खान को थमाई है स्टर्लिंग ने विकेट, अच्छा कैच। यहाँ पर न्यू बैट्समैन ये क्या करते हैं अपनी टीम के लिए, टीम को सहारा देना होगा इनको भी। गूगली बॉल की है यहाँ पर और वाइड बॉल, बहुत फास्ट बॉल थी ये। ओ हो हो कमाल की, गजब गजब की ये शॉट, इसको बोल सकते हैं आप, बहुत डिफिकल्ट है। और एक और विकेट गिरी है इस ओवर के अंदर, टू विकेट यहाँ पे डाउन हो गए हैं इस्लामाबाद की। मुनरो आए हैं बैटिंग के लिए, अभी ये क्या करते हैं, बहुत तेज़ खेलते हैं, लेट आए थोड़े से। पहला बॉल, ओ बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे, बहुत बढ़िया फील्डिंग, पानी का वक्फा हुआ है। डेविड विजे बॉलिंग के लिए, 36 पे टू आउट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया टाइमिंग, फील्डर्स के ऊपर से उठा के खेला और चार रन्स। हेल्स काफ़ी टाइम हो गया इनको क्रीज के ऊपर, और देखिए क्या करते हैं अपनी टीम के लिए, खेलते तो बहुत बढ़िया हैं ये भी। एक बार फिर से खेली है और यहाँ पे इनको चार रन मिले हैं। बहुत बढ़िया बैटिंग, बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं बॉलर। ओहो ये तो बहुत कमाल की शॉट है इस, यहाँ पे ये शॉट खेलना बहुत टफ होता है, बट इन्होंने खेल कर दिखाई है। परफेक्ट टाइमिंग, प्योर क्लास बोलें इसको, फील्डर दौड़ते रह गए बट चार रन मिले ही यहाँ पर, अच्छी शॉट थी, चार रन मिलने चाहिए थे इनको। बढ़िया टाइमिंग, सीधा फील्डर के हाथ में, यहाँ पर क्या हुआ है, रन आउट नॉट आउट, अंपायर का फैसला नॉट आउट। हफीज अपना ओवर डालने के लिए आए हैं, ओहो बहुत चालाकी से खेली ये शॉट और यहाँ पर चार रन्स। अभी ये बहुत देखें कितने प्यार से खेली ये शॉट और एक ही रन्स मिला है, शॉट तो बहुत खूबसूरत तरीके से खेली थी बट चार रन्स नहीं मिल सके इनको। इस बार तेज़ खेल रहा है शॉट और चार रन्स मिलेंगे इनको, लास्ट में बहुत अच्छा खेल रहे हैं ये, अगर स्टार्ट में ही ऐसा खेलते तो यकीनन ये मैच जीत सकते थे, मैच तो जीतना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि काफ़ी रन्स पड़े हैं अभी तक, ओवर्स बहुत कम रह गए हैं। सीधा फील्डर के हाथों में खेल दिया और कोई रन्स नहीं बने। ऑफिस लास्ट बॉल डालेंगे अपना, टू फील्डर्स के बीच में और उन्होंने पकड़ ली है, कामयाब हुए। डेविड विजे लास्ट टू ओवर हैं, अपना लास्ट ओवर करते हुए मनरो ने उठा कर मारा है और ये चार रन्स, बढ़िया हिट खेली यहाँ पर, बहुत बढ़िया हिट। एक बार फिर से खेली है और एक और चार रन्स, बहुत गजब की बैटिंग कर रहे हैं ये, लेट आए थे बट अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अभी। बीट हुए इस बार, कोई रन्स नहीं बना,
तीन बल्ले हो चुकी हैं। ये शॉट तो इन्होंने कमाल कर दी है, फील्डर्स के ऊपर से खेली थी और चार रन्स, बढ़िया 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 हिट खेली यहाँ पर इन्होंने। एक और फोर, अभी तक इन्होंने चार चौके मार दिए हैं इस ओवर में डेविड वीजा को। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे मनरो, एक और चौका मारा है, यकीनन ये चार है। देखे दाद देते हुए पवेलियन से, आखिरी ओवर कौन कर रहे हैं, हफीज कर रहे हैं लास्ट ओवर। 85 पे टू आउट हैं, यहाँ पर स्टंप की अपील है और आउट हैं ये जनाब। यहाँ पर हफीज ने अपना विकेट हासिल किया। अच्छा टर्न हुआ, बॉल हिल्स आउट हो गए हैं। अभी ये क्या कर पाते हैं टीम के लिए, टीम तो हार चुकी है। पहली बॉल ही परफेक्ट के लिए, सिंगल 86 रन्स, 3 आउट, 4 बॉल्स लेफ्ट। फील्डर्स के हाथ में एक इंडियन, कोई रन्स नहीं बनेगा, कोई रिस्क भी नहीं ले रहे अभी तक तो ये। सीधा फील्डर के हाथ में और एक रन मिला यहाँ पर इनको। लास्ट टू बॉल्स इस इनिंग की पहुंच गए हैं तकरीबन नॉट आउट। लास्ट बॉल इस इनिंग की और ये इसके साथ ही इख्तिताम हुआ। हार चुकी है इस्लामाबाद की टीम 44 रन से, लाहौर ने ये मैच जीता है। और मैन ऑफ द मैच देखें, मिलते हुए मैन ऑफ द मैच है यहाँ।